आपकी सावधानी आपको कोरोना से बचा सकती है। आओ चलें, कोरोना से डरे नहीं, सावधानी बरतें। किसी भी अन्य बाहरी व्यक्ति से 3 गज की दूरी से बात करें। आप खुद सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें। भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। समय समय पर कोविड वैक्सीन लगवाएं और आप सुरक्षित, सभी लोग सुरक्षित के जीवन के साथ आगे बढ़ें। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। 6 मई 2021 को जाने माने चिकित्सा पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र जी की 6 मई को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर मोहन मिश्र जी 83 वर्ष के थे। यह इस दुखद घड़ी में भगवान उन परिवार को शक्ति प्रदान करें। यह बहुत दुख के साथ हम लोग हैं, क्योंकि देश के जाने माने चिकित्सा पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र जी जो दरभंगा बिहार के रहने वाले थे, 6 मई 2021 को 83 वर्ष की आयु में नहीं रहे। उन्होंने चिकित्सा जगत में रोग के प्रति रिसर्च करके बताया था, जैसे कि कलांजर और डिमेंशिया दवाई, जो भूलने की दवा होती है, उन्होंने ही यह रिसर्च किए थे और उन्हीं का यह रिसर्च आज हम सब जो है यूज कर रहे हैं। श्री मिश्र जी शोध लगातार उनका चिकित्सा के लिए हमेशा जो है मानव की भलाई के लिए हमेशा जारी रहा और वह महत्वपूर्ण रोगों को भली भांति ठीक भी किए हैं। आज हम सभी चिकित्सा जगत में उनकी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए देखे हैं। हम सब याद कर रहे हैं और हम उन सबको कभी नहीं भूलेंगे। पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र जी को कोट कोट नमन, श्रद्धांजलि। एक रिपोर्ट आप देखिए रिटायर फौजी राजेश गुप्ता जी की। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बीच से एक महान चिकित्सक डॉक्टर मोहन मिश्रा जी, जो 83 वर्ष के थे और जिनको पद्मश्री से अलंकृत किया गया था, वो हमारे बीच में 6 मई 2021 को हृदय गति रुक जाने से इस पृथ्वी से उनका देवलोक के लिए गमन हो चुका है। और हम लोग इस दुखद घड़ी में उनको अपनी आशुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर मिश्रा जी को हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने उनको पद्मश्री से अलंकृत किया था और उन्होंने अपने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारे नए नए कार्य किए थे। उन्होंने काला जार के ऊपर रिसर्च की थी और उन्होंने भूलने वाली एक दवाई, जिसको कि हम लोग डिमोसिस कहते हैं, उस दवाई का भी उन्होंने ब्राह्मी के पेड़ से एक जो है आविष्कार करके वो दवाई निकाली थी। ऐसे महान विभूति जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। इस क्षतिपूर्ति को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर भी उनके किए हुए शोध कार्यों से, उनके रिसर्च पेपर से जो उनके ब्रिटेंस वगैरह में निकले थे, हमारे नौ युवक चिकित्सक उससे जो है ज़रूर जो है एक शिक्षा लेंगे और अपने देश के लिए ऐसी चिकित्सा प्रणाली को विकसित करने में, उसको रिसर्च करने में, शोध करने में लगाएंगे कि ऐसे ही भारत में नई नई चीज़ों का विकास हो, उनका रिसर्च हो, अनुसंधान हो और हमारे देश में एक महान दवाइयों का जो एक भंडार है, वो सब में स्वदेशी, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहचान भर के यहाँ पर निकले। आज इस दुख की घड़ी में हम सब लोग जो है उनको जो है अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ इस महान विभूति के लिए यही कहते हैं
कि उन्होंने इतना बड़ा चिकित्सा में काम करके हमारे देश को बहुत ही बड़ी चीज़ उपलब्ध कराई। भारतवर्ष उसको कभी भूलेगा नहीं, ना भूलने वाला है, उसका हरदम ऋणी रहेगा। और आने वाले समय में हमारे चिकित्सा के छात्र छात्राएं और जो लोग भी इस कार्य में लगे हुए हैं, नए नए शोध करके उनके जो है जर्नलिज्म को पढ़ के, उनकी रिसर्च डॉक्यूमेंट को पढ़ के नई नई चीज़ें निकालेंगे, जिससे देश एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा चिकित्सा के क्षेत्र में भी, और आने वाले समय में इस देश को बहुत कुछ दे के जाएगा। वैसे भी हमारे देश में जो COVID-19 का जो लहर चल रही है, उसमें भी हमारे बहुत से चिकित्सकों ने जो है अनुसंधान करके जो टीकाकरण का कार्य आज यहाँ पर शुरू किया है, जो यहाँ देश को दिया है, वास्तव में उसके लिए भी उनको नमन करते हैं कि ये भी उनकी एक शोध है, एक रिसर्च है हमारे भारतवर्ष में मानवता के लिए, मानवता को ज़िंदा रखने के लिए, और जिसकी कि हम लोग बखूबी जो है विदेशों में भी, अन्य देशों में भी उसको हम लोग पहुँचा रहे हैं। और इस चीज़ को अपने साथ साथ दूसरों को भी सहयोग देने के जो हमारा एक संकल्प है, उसको भी पूरा करने में लगे हुए हैं। आइए हम सब लोग अपने श्रद्धे डॉक्टर मोहन मिश्रा जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और सभी लोगों से यही प्रार्थना और विनती करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें और पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहें, और हर तरह का जो मापदंड है COVID-19 के, उनको अच्छे से पालन करके इससे उभरें, इससे आगे चलें, और इसको हरा के अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। राजेश गुप्ता, ACCF, नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। करेला खाने से शरीर में तो सेहतमंद रहता ही है, वहीं पर एक रोग और आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके पथरी का भी शिकायत होगा तो वह बिल्कुल भी आप